गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश रीडर। सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए इंग्लिश रीडर की। पेज नंबर 37 पर जाइए बच्चों। निकाल ली होगी सभी बच्चों ने बुक। चैप्टर है आपका 15, पर्सन्स हु हेल्प अस। देखिए बच्चों, चैप्टर आपका 15, पर्सन। पर्सन की स्पेलिंग देखिए, PERSONS, पर्सन्स। पर्सन्स मीन्स बच्चों व्यक्ति होता है, ठीक है। WHO, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, या जो भी लगा सकते हो। HELP, हेल्प, हेल्प मीन्स मदर। US, अस, अस मीन्स है। तो देखिए बच्चों, व्यक्ति जो हमारी मदद करते हैं, व्यक्ति जो हमारी मदद करते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही इज राम। ही मीन्स बच्चों वह होता है, ठीक है। ही मीन्स वह, और ही मेल के लिए लगता है, पुरुष के लिए लगता है, ठीक है। ही इज राम, वह राम है। राम इज अ टीचर। टीचर मीन्स बच्चों अध्यापक होता है। तो देखिए, राम इज अ टीचर, राम एक अध्यापक है। ही इज इन द क्लासरूम, वह कक्षा में है, वह कक्षा में है। क्लासरूम कक्षा, या बोल सकते हो वह क्लासरूम में है। नेक्स्ट देखिए, ही इज सलीम। देखिए ये पिक्चर बनी हुई है, ही इज सलीम। सलीम क्या कर रहा है बच्चों, देखिए। और वो टीचर क्या करता है, पढ़ाता है ना। ही इज सलीम, वह सलीम है। सलीम इज अ डॉक्टर, सलीम एक डॉक्टर है। ही इज इन द हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल में है, या बोल सकते हो वह अस्पताल में है, ओके। नेक्स्ट चलिए, ही इज रामू। देखिए पिक्चर बनी हुई है ना, देखिए कौन है ये। ही इज रामू, वह रामू है। रामू इज अ पोस्टमैन, वह एक पोस्टमैन है। पोस्टमैन कौन होता है बच्चों, डाकिया, तो वह एक डाकिया है। ही इज कमिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस से आ रहा है। वह पोस्ट ऑफिस से, या डाकखाना बोल सकते हो। पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकखाना, पोस्ट ऑफिस डाकखाना। पोस्ट ऑफिस की स्पेलिंग देखिए, POSTOFFICE, पोस्ट ऑफिस। कमिंग COMING, आना। कमिंग मीन्स आना। ही इज कमिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने से वह आ रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, पेज पलटिए, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38। ही इज रमेश। देखिए बच्चों, पिक्चर भी साथ में दी गई है, वह रमेश है। रमेश इज अ पुलिसमैन, रमेश एक क्या है, पुलिसमैन है। ही इज गोइंग टू पुलिस स्टेशन, वह पुलिस चौकी को जा रहा है। वह पुलिस चौकी जा रहा है। पुलिस स्टेशन मीन्स थाना चौकी बोल सकते हो, पुलिस चौकी बोल सकते हो, ठीक है। तो वह पुलिस चौकी के लिए जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, सी इज मैरी।
वह मैरी है। तो बच्चों यहाँ सी लगा है क्योंकि ये लड़की है, लेडीज औरत, लड़के के लिए क्या लगता है सी, और जेंट्स के लिए क्या लगता है ही, मेल के लिए ही लगेगा और फीमेल के लिए सी लगता है। मैरी इज अ नर्स, मैरी एक नर्स है। सी इज नियर द पेशेंट, वह रोगी के पास है। देखिए बच्चों ये बीमार है ना व्यक्ति, तो इसके पास कौन है, मैरी है, तो वह मैरी के, वह रोगी के पास है। नियर मीन्स पास। नेक्स्ट देखिए, ही इज गोपी, ही इज गोपी, वह गोपी है। गोपी इज अ वॉचमैन, गोपी एक चौकीदार है। गोपी क्या है, चौकीदार। ही इज ऑन द रोड, वह रोड पर है, वह रोड पर है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं एक्सरसाइज की। पेज नंबर 39 पर जाइए, पेज नंबर 39। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, निम्नलिखित पिक्चर को देखो, देखो ये पिक्चर, पिक्चर को देखो और फिल करिए। राम इज अ, राम क्या था अभी हमने पढ़ा था ना, टीचर। राम इज अ टीचर, टीचर की स्पेलिंग बोलो मेरे साथ साथ, विद मी लाइट लाउडली बोलो, ही इज अ टीचर। टीचर की स्पेलिंग टी ई ए सी एच ई आर, टीचर। ही इज इन द क्लासरूम, क्लासरूम में था ना वो, तो स्पेलिंग देखिए सी एल ए डबल एस आर डबल ओ एम, क्लासरूम। नेक्स्ट देखिए, सलीम इज अ डॉक्टर, सलीम इज अ डॉक्टर, सलीम क्या है, डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर की स्पेलिंग देखिए डी ओ सी डी ओ आर, डॉक्टर। ही इज इन द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल की स्पेलिंग देखिए एच ओ एस पी आई टी ए एल, हॉस्पिटल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैरी इज अ नर्स, हमने भी पढ़ा था, मैरी इज अ नर्स, नर्स की स्पेलिंग देखिए एन यू आर एस ई, नर्स। नेक्स्ट देखिए, सी इज नियर द पेशेंट, स्पेलिंग देखिए पेशेंट की पी ए टी आई ई एन टी। चलिए नेक्स्ट, रामू इज अ पोस्टमैन, रामू इज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन की स्पेलिंग देखिए पी ओ एस टी एम ए एन, पोस्टमैन। नेक्स्ट देखिए, ही इज कमिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की स्पेलिंग देखिए पी ओ एस टी ओ डबल एफ आई सी ई, पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट देखिए, रमेश इज अ, क्या था रमेश, पुलिसमैन, पी ओ एल आई सी ई, पुलिस, एम ए एन, पुलिसमैन। ही इज गोइंग टू, कहाँ जा रहा था, पुलिस स्टेशन, पी ओ एल आई सी ई एस टी ए टी आई ओ एन, पुलिस स्टेशन। स्पेलिंग देखिए पी ओ एल आई सी ई, पुलिस स्टेशन, एस टी ए टी आई ओ एन, स्टेशन। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर आपका 15 कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट क्लास के बच्चे, सभी बच्चे रीडिंग करेंगे इंग्लिश रीडर में,
फिफ्टीन चैप्टर की और इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में आपको एक्सरसाइज करनी है पेज नंबर 39 पर। ओके बच्चों।